हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अमृता किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केक रेसिपी, और आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट केक, जिसमें हम बेस तैयार करेंगे और साथ ही साथ हमें इसे आपको डेकोरेशन करना भी बताऊंगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप शुगर पाउडर। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही। 1/2 कप दही ऐड करेंगे इसमें, जो हम बिल्कुल फ्रेश लेंगे, खट्टा दही हम नहीं लेंगे, और दही को हम फ्रीज में से निकाल कर पहले से ही रख लेंगे, जिससे इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप मैदा। मैदे को हम चलनी में पहले से ही डाल लेंगे, तो इसमें हमने पहले से ही 3 कप मैदा डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, और उसके बाद हम इसे छान देंगे, जिससे क्या है ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है मैदे में, सभी जैसे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वेनीला और 1 टीस्पून फूड कलर। ये रेड फूड कलर है जो बाज़ार में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आज हम रेड वेलवेट केक बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने अपना बेस तैयार करने के लिए उसमें रेड कलर मिक्स करा है, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा दिख रहा है मिक्स करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब हमने ये तपेली में पहले से ही ऑयल लगाकर इसे तैयार कर लिया है, तो हमारा जो केक पेस्ट है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अपना पेस्ट अच्छे से डाल देते हैं। हम अपनी कढ़ाई पहले से ही प्रीहीट कर लेंगे, जिससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। आप कढ़ाई जब रखें गैस पे, तो आप मोटी तली की कढ़ाई लें, नहीं तो आपकी कढ़ाई भी ख़राब हो सकती है, और साथ ही साथ आपका केक भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अपनी कढ़ाई प्रीहीट कर ली है। उसके बाद हम स्टैंड है तो स्टैंड लगाएंगे, और अगर नहीं तो आप एक इसमें प्लेट रख सकते हैं। तो अब हम अपने केक को कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। तो हमारे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए, हमारा जो केक है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आपका केक पूरी तरह से ठंडा नहीं होगा, तो वो अच्छे से नहीं निकलेगा। देखिए, यहाँ पर केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अच्छे से निकल गया है। तो आपका केक का बेस तो तैयार है, अब हम इसको डेकोरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो केक के ऊपर की परत होती है, उसे काट कर अच्छे से अपने हाथों से ही मिक्स कर लिया है, जिससे उसके बारीक बारीक टुकड़े हो गए हैं। तो इसे हम अलग रख देते हैं अभी, और हम अपने केक को डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम ली है, जिसे हम अपने चारों तरफ केक के अच्छे से सेट कर देंगे और लगा देंगे। तो हमने अपने केक के चारों ओर व्हिप्ड क्रीम लगाना स्टार्ट कर दी है, और उसे अच्छे से सेट करते हुए हम लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने केक के चारों ओर अच्छे से व्हिप्ड क्रीम सेट करके लगा दी है, और इसे मैंने ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम से कवर नहीं करा है। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम भी लगा सकते हैं। तो अब हमारी व्हिप्ड क्रीम सेट हो गई है। तो जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने केक के टुकड़े टुकड़े करे थे अच्छे से, उसे हम बीच में सेट कर देंगे, क्योंकि हम बीच में एक अपना स्पेस बना देंगे अच्छा, जिसमें बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। तो ये मैंने केक के ऊपर से ही कटिंग करी थी, उसे टुकड़े टुकड़े कर लिए थे उसके बारीक, उसके बाद मैंने इसे बीच में लगा दिया है। उसके बाद जो हमारा और भी केक का जो टुकड़े हैं बचे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, अपने हाथों में लेते हुए उसे आसपास केक के लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत कम व्हिप्ड क्रीम यूज़ करी है। तो आप इसे अपने हाथों में लेकर अच्छे से चारों तरफ लगा दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने
सभी दूर इसे अच्छे से लगा दिया है और जो आसपास से इसे साफ कर दीजिए। और स्टार की जो नोजल है उससे मैंने इसमें डिजाइन डाल दिया है ऊपर। आप चाहें तो और दूसरी भी नोजल से डिजाइन डाल सकते हैं। मैंने स्टार की नोजल ली है और ये होममेड नोजल है। अगर आपको इसका वीडियो भी देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये होममेड नोजल से ही कितना अच्छा डिजाइन इसमें आया है। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ये सब अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो डेकोरेशन है कंप्लीट हो चुका है। जो केक के टुकड़े बचे थे उसी से मैंने ये नीचे गोल गोल करके लगा दिए हैं और गुलकंद लगा दिया है। और मैंने अपनी मॉम जो है लिखा है। अगर आप चाहें तो और भी केक डेकोरेशन देख सकते हैं, बहुत ही इजी केक डेकोरेशन देख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।